मऊ जिले में अपराधियों और उनके सहयोगियों द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी सिलसिले में मुख्तार गैंग के सहयोगी द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है, जिसकी सरकारी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। वहीं मुख्तार के सहयोगी पर प्रशासन ने मुनादी कर कुर्की की कार्रवाई की है। शासन के मंशानुरूप कि जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति कमाई है, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 14(1) में इस संपत्ति को कुर्क कर लिया है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रदहां की गाटा संख्या 2172, रकबा 168 कड़ी, उसका सरकारी मूल्य 49,68,000 रुपये तथा इसका बाजारू मूल्य लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। और ये संपत्ति आनंद यादव और उनकी पत्नी मीरा यादव द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई, जिसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जब्त कर ली गई है। ये गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत माननीय जिलाधिकारी महोदय मऊ के आदेश दिनांक 28/4/22 के तहत या राजी संख्या 2171 कुल 168 कड़ी, जिसका बाजारू मूल्य करीब 2.5 करोड़ है, ये गैंगस्टर के मुकदमा अपराध संख्या 18 में मुलजिम है। इन्हीं के साथ मुख्तार अंसारी भी मुलजिम है, जो पूर्व विधायक यहाँ के रहे हैं जी। इनके द्वारा जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत अपराध से अर्जित धन से संपत्ति खरीदी गई थी, पुलिस की रिपोर्ट पर माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियमानुसार इसको कुर्क किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT